हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपका लेसन सेकंड कंप्लीट करा दिया है और आपको होम टास्क में क्वेश्चन आंसर दिए थे हमने, आज हम आपको थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे। थर्ड लेसन का नाम है चतुर तेलानी राम। स्टार्ट करते हैं। एक दिन की बात है, तेलानी राम अपने घर में खाना खा रहे थे। उनकी पत्नी भी उनके साथ बैठी थी। रात का समय था। उस समय चार चोर कहीं से चोरी करने के लिए घूम रहे थे कि चार चोर देख रहे थे कि कहाँ चोरी कर सकते हैं। अवसर पाकर वे तेलानी राम के घर में घुस गए कि अवसर जैसे मौका मिला वैसे ही वे तेलानी राम के घर में घुस गए। तेलानी राम ने उन चोरों को घर में घुसते हुए देख लिया था, मतलब तेलानी राम ने उनको घर में घुसते देख लिया था। चारों चोर दूसरे कमरे के दरवाजे के पीछे जाकर छुप गए। जो चार चोर थे वो दूसरे कमरे के दरवाजे के पीछे छुप गए। तेलानी राम अपनी पत्नी से जोर जोर से बातें करने लगा। उन्होंने कहा, हमारे घर के पीछे जो खेत है कि हमारे घर के जो पीछे खेत है उसके पास के कुएं में सोने के सिक्के से भरा हुआ एक संदूक है। वो चोर को सुनाने के लिए कह रहा था कि हमारे जो पीछे खेत में कुआं है उसमें सोने के सिक्के से भरा हुआ एक संदूक रखा हुआ है। हम कल सुबह कुएं का सारा पानी निकाल कर वह संदूक वहाँ से निकाल लेंगे कि हम जब कल सुबह होगी तो उस कुएं में जो पानी है वह सारा बाहर निकाल के उस संदूक को हम वहाँ से निकाल लेंगे। चोरों को सुनाने के लिए की गई यह बातचीत चोरों ने सुन ली, क्योंकि वह चोर को ही सुनाना चाहते थे ये बात। उन्होंने सोचा कि क्यों न हम रात को ही वह संदूक कुएं से निकाल लें। सोचा कि क्यों नहीं हम रात को ही संदूक को कुएं से निकाल लें। तो वह चोर चुपचाप वहाँ से खिसक लिए और सीधे खेत में जा पहुँचे। जब चोरों ने ये बात सुनी तो चोर जो दरवाजे के पीछे छुपे हुए थे वह दरवाजे से खिसक कर मतलब बाहर चले गए और वह खेत पर पहुँच गए। सीधे खेत पर जा पहुँचे। वहाँ वे बाल्टी से कुएं के पानी को निकालने में जुट गए। जो कुएं में पानी था वो बाल्टी से वह निकालने में जुट गए, एकत्रित हो गए। वे पानी को बाल्टियों में भरते और खेत की जो नाली थी उड़ेल देते, उसमें डाल देते। जब वह रात भर पानी कुएं में से निकालते तो बाल्टियों में से पानी भर भर के वह जो खेत की नाली थी उसमें डाल देते। वे तेज़ी से पानी खींचते रहे। वे तेज़ी से क्या करते रहे, पानी खींचते रहे थे। रात खेत की नाली लबालब भर बहने लगी। जो खेत की जो नाली थी वो लबालब मतलब भर कर लबालब पूरी तरह से भर गई और वह बहने लगी। सारा पानी खेत में जा रहा था। धीरे धीरे रात ढलती गई। जो कुएं में से पानी निकालते गए तो रात ढलती गई और सुबह हो गई। तेलानी राम अपनी पत्नी के साथ खेत में पहुँचे। थकान के कारण चारों चोर वहाँ बेहोश पड़े थे। जो थकान हो गई थी उनके कारण वो चारों चोर क्या हुए, बेहोश हो गए। वे पूरी रात कुएं से पानी खींचते रहे। कुएं से पानी खींचते रहे थे। तेलानी राम की पत्नी ने पूछा, ये चारों कौन हैं? तो तेलानी राम ने उत्तर दिया, ये चारों चोर हैं। ये रात को हमारे घर में चोरी करने आए थे। मैंने इन्हें घर में घुसते हुए देख लिया। उसकी जो पत्नी थी उसने पूछा, ये चारों कौन हैं? तो तेलानी राम ने उत्तर दिया कि ये चोर थे जो मैंने रात को इनको हमारे घर में घुसते हुए देख लिया था। तब मैंने सोचा कि क्यों नहीं इनसे ही आज अपने खेत की सिंचाई करवा लूँ, क्योंकि आज हमारे मज़दूर छुट्टी पर थे। इसलिए मैंने रात को तुम्हें बताया था कि हमारे खेत के कुएं में सोने के सिक्के से भरा हुआ संदूक है, तो चोर लालच में आ गए और सोना पाने के लिए वह रात भर कुएं को खाली करते रहे। सोने के लालच में वह रात भर कुएं को पानी निकालते रहे और हमारे खेत की सिंचाई भी हो गई। यह सुनकर तेलानी राम की पत्नी हंसने लगी और बोली, आप वास्तव में बहुत चतुर हो। अब मैं समझ गई कि राजा कृष्णदेव राय आपका इतना सम्मान क्यों करते हैं कि वास्तव में बहुत चतुर हो आप बुद्धिमान हो कि अब मैं समझ गई कि वह अब समझ गई जो राजा
कृष्णदेव राय आपका इतना सम्मान क्यों करते हैं, मतलब आपकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं। दोनों हंसते हुए अपने घर वापस लौट आए। अब इसके शब्दार्थ देखिए आप, अवसर मौका, खिसकना चले जाना, लबालब पूरी तरह से, ढलना बीतना और सम्मान इज्जत। आज हम आपका थर्ड लेसन कंप्लीट करा दिया है और आपका होम टास्क है, आपके होम टास्क में शब्दार्थ आपको कॉपी में करने हैं और इनको लर्न भी करना है। जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट करा दिया, तो आप रिटन वर्क के साथ लर्न करते भी जाइए। धन्यवाद।